अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करूंगी जो कि है फैसलाबाद सिंधबाद वंडरलैंड का। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो हम अंदर की तरफ अब एंटर हो रहे हैं। तो बच्चों को लेकर आज ज़रा प्लानिंग हो रही थी कि चलो आउटिंग पर ज़रा चलते हैं, और मैंने सोचा चलो प्ले एरिया पर लेके जाते हैं बच्चों को, क्यों ना, बच्चों का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है प्ले स्टेशन वगैरह पर जाकर। तो ये जो ट्रेन आपको ऊपर नज़र आ रही है, बहुत स्पीडी होती है और बहुत इसका शोर होता है। तो मैं ऐसा झूलों में बैठती नहीं हूँ क्योंकि मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और ये मेरे बच्चे को ना ज़्यादा वैसे जंपिंग का शौक़ होता है तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं जंपिंग करने को। तो बच्चों ने सबसे पहले जंपिंग की। अच्छा, ये झूला मुझे बहुत ख़तरनाक लगा, बड़ा डेंजरस सा लगा। तो ये छोटे छोटे कप्स के मतलब टाइप के थे झूले बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो ये भी बड़े कंफर्टेबल थे, अच्छे थे बच्चों के लिए ये वाले झूले भी। यहाँ पर खाने पीने की भी शॉप्स अवेलेबल हैं, मतलब अगर आप फास्ट फूड लेना चाहते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या शेक्स वगैरह, दही भल्ले, फ्रूट चाट, तो ये भी यहाँ पर आपको अवेलेबल होती हैं और काफ़ी टेस्टी होती हैं। अच्छा, ये झूले मुझे ना ज़रा कंफर्टेबल लगे छोटे बच्चों को लेकर, बहुत स्मूथ से थे, और कुछ ये वाले भी बहुत मतलब कंफर्टेबल थे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ना। तो अब हम इसके दूसरे पोर्शन की तरफ मतलब जा रहे हैं, ऊपर मतलब ऊपर वाले पोर्शन में बच्चों के लिए ना, एक छोटे बच्चों के लिए, ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए प्ले स्टेशन बनाया हुआ है वहाँ पर। ज़्यादा छोटे बच्चों को आप मतलब काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलता है, काफ़ी अच्छी रिफ्रेशमेंट मिलती है। अच्छा, एक ये वाला एक था, इसकी भी मुझे कोई इतनी ख़ास समझ नहीं आई, कलरफुल था, बड़ी प्यारी लाइटिंग हुई हुई थी इस पर। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम ऊपर की तरफ एंटर हो रहे हैं और हम ऊपर आ गए हैं। तो अब तो इन्होंने काफ़ी चेंजिंग कर लिया, मतलब जो कुछ पहले था ना यहाँ पर, जो गेम्स वगैरह थी वो सारी इन्होंने रिप्लेस कर ली हैं, और इनका न्यू सेटअप भी काफ़ी अच्छा है, पहले की नस्बत भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर ये मतलब डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर झूले थे, और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, साथ में गेम्स वगैरह खेलने बच्चों ने। तो ये एक क्रोकोडाइल्स वाला एक गेम था, बच्चे खेल रहे थे, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, और बच्चों ने फिर कुछ झूले लिए। अच्छा, ये वाली गेम ना मुझे बड़ी मज़े की लगी, ये बच्चों ने मतलब ये भी खेला और मैंने भी बच्चों के साथ इसको काफ़ी इन्जॉय किया। ये बेसिकली एक लायंस थे और इनके हेड आपने ना पुश करने थे अंदर की तरफ, तो ये बड़ी मज़े की लगी मुझे, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये गेम बच्चों के लिए, और कुछ नहीं थी। पर ये मैंने बाहर से भी ज़रा व्यू लिया ऊपर मतलब ऊपर वाले पोर्शन से। अब हम वापस जा रहे हैं बाहर मतलब खाना वगैरह खाने। मैंने कहा बच्चों को काफ़ी अब इन्जॉयमेंट हो गया है, अब इनको ज़रा खाने पिलाने के लिए लेके जाया जाए। तो जाते जाते वो मतलब जब बाहर हम निकले हैं तो गेट के पास ना बिल्कुल ये डक्स वगैरह रखी, मुझे बड़ी क्यूट लगी, मैंने कहा चलो इनको भी ना इनके भी वीडियो बना ली जाए, तो बड़ी क्यूट थी। अब हम बच्चों को लेकर बाइक की तरफ कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टेडियम की तरफ जाएंगे, और इकबाल स्टेडियम के जो गोल गप्पे हैं ना वो बड़े फेवरेट हैं मेरे, मतलब अच्छे गोल गप्पे हैं वहाँ पर। तो हम अब इकबाल स्टेडियम की तरफ निकलेंगे। तो बच्चे तो काफ़ी थक चुके थे और बच्चों का मूड भी काफ़ी अच्छा हो गया था, तो हम मतलब बाहर स्टेडियम की तरफ निकल रहे थे। तो हम यहाँ पर स्टेडियम की तरफ जा रहे थे। अच्छा, स्टेडियम के इर्द गिर्द ना काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, मतलब आप शॉपिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप शॉपिंग भी कर सकते हो। तो अब हम गोल गप्पे खाने के लिए जा रहे हैं बच्चों के साथ। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल सिंधबाद के बिल्कुल ऑपोजिट ना फन लैंड भी है, और वहाँ पर भी बच्चों को काफ़ी अच्छी रिफ्रेशमेंट मिलती है, बच्चे वहाँ भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट टाइम ना मैं यहाँ का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत इन्जॉय किया हमने, गोलगप्पे खाए, खाना खाया और फिर घर वापस आ गए। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।